अब हम आते हैं एग्जाम्पल 4.3 पे, ठीक है। तो दो बॉडीज हैं हमारे पास, एक की मास है 5 kg और एक की मास है 4 kg। ये दोनों एक स्ट्रिंग्स के साथ अटैच है और एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से ट्रेवल कर रही हैं। दोनों बॉडीज जो हैं वो वर्टिकली हैं। तो और अब हमें जो मालूम करना है वो क्या है, वो एक तो एक्सेलरेशन है कि जिसकी वजह से बॉडीज में मोशन क्रिएट होगा, और दूसरा जो है वो टेंशन है स्ट्रिंग के अंदर, कि स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितनी है। अब दो बॉडीज के अंदर हमें मास गिवन है, एक मास वन और मास टू, इधर हम डेटा में रखते हैं। ग्रेविटी फील्ड कांस्टेंट है जो है 10 m/s². एक्सेलरेशन ऑफ बॉडीज मालूम करना है और टेंशन इन स्ट्रिंग। अगर हम बॉडी ए को सबसे पहले कंसीडर करते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला जो अभी हम कैलकुलेट करते आ रहे हैं पीछे से, केस वन में जो हमने किया था जब दोनों बॉडीज वर्टिकल थी, तो वो था हमारे पास एक्सेलरेशन का एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1 - m2 × g / m1 + m2। हम जो वैल्यूज हैं हमारे पास मासेस की, हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, तो 5 - 4 / 5 + 4 × 10, और हमारे पास आखिर में आंसर एक्सेलरेशन का मिलता है क्या, 1.1 m/s². उसी के बाद अब एक्सेलरेशन मिलने के बाद हम टेंशन कैलकुलेट करते हैं। तो टेंशन का जो हमारे पास फॉर्मूला है, जब दोनों बॉडीज वर्टिकली हैंग कर रही थी, वो है टेंशन इज इक्वल टू 2 m1 × m2 / m1 + m2 × g। हम जो वैल्यूज हैं मासेस की हमारे पास 5 और 4, m1 और m2 रेस्पेक्टिवली, हम उसके अंदर पुट करते हैं, और फिर हमें आखिर में टेंशन जो है वो मिलती है 44.4 N। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है बॉडी की जिससे वो ट्रैवल कर रही है, वो है 1.1 m/s², और टेंशन इन स्ट्रिंग है 44.4 N। मोमेंटम, मोमेंटम बेसिकली क्वांटिटी होती है मैटर की, कि जो एक बॉडी के अंदर मोशन के अंदर खुद को इन्वॉल्व करती है। एक आपकी बॉडी है, एक हैवी बॉडी है, जैसे ट्रक्स हैं, लोडेड ट्रक्स हैं या कार्ट्स हैं जो लोडेड हैं, उनको स्टॉप करना थोड़ा हार्ड होता है बनिस्बत अनलोडेड से, अगर वो खाली हैं उनके मुताबिक। तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि वो बॉडी के मैटर बॉडी का कि जो मोशन के अंदर मुलव्वस होता है या मोशन के अंदर इन्वॉल्व होता है, उसको हम मोमेंटम क्वांटिटी कहते हैं। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका SI यूनिट है kg m/s और N/s। मोमेंटम को हम P से शो करते हैं, और ये बेस करता है बेसिकली मोमेंट मास पर और आपकी वेलोसिटी पर, जिस तरह इधर हमारे पास फॉर्मूला में शोड है। लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल में समझते हैं। आप फर्ज करें एक गैस सिलेंडर है, ठीक है, उसको गैस सिलेंडर के अंदर बॉडीज हैं, गैस बॉडीज जो आपस में इंट्रैक्ट करती हैं, जो आपस में अटैक करती हैं। एक बॉडी ए दूसरी बॉडी बी को अटैक करती है, तो बॉडी बी जो है वो आगे जाकर किसी एक और बॉडी से अटैक करती है। मोमेंटम उनका आपस में जो एक दूसरे को अटैक और रिपेल करती हैं, उनसे उनका मोमेंटम सेम होता है, क्योंकि बॉडी ए जो फोर्स अपनी, जो मोमेंटम लूज करती है, बॉडी बी वही मोमेंटम या वो फोर्स गेन करके आगे जाती है। इसी तरह ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम भी यही बात करता है। व्हेन अ नंबर ऑफ बॉडीज आर सच दैट दे कैन एक्सर्ट फोर्स अपॉन वन अनदर, बॉडीज जो हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा सकती हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती, तो हम ऐसे सिस्टम को कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिव बॉडी, बट नो एक्सटर्नल एजेंसी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन देम, दे आर सेड टू कंस्टिट्यूट एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिव बॉडीज। ठीक है, ये मिसाल जो मैंने आपको गैस की शुरुआत में दी वो उधर लिखी हुई है। मोमेंटम हमेशा एक आइसोलेटेड सिस्टम का, जिसमें थर्ड कोई भी फोर्स नहीं लग रही, वो हमेशा सेम रहता है। एक और मिसाल के तौर पर हम बात कर लेते हैं कि आप दो बॉल्स लेते हैं, बॉल ए और बॉल बी, उन दोनों को आपस में अटैक करवाते हैं। जैसे बॉल ए जो है वो बॉल बी को जाके कोलाइड करता है, तो बॉल
ए जो है वो जितना मोमेंटम कोलिजन से पहले उसका जितना मोमेंटम होगा टोटल बॉल ए और बॉल बी का, सेम मोमेंटम ही आफ्टर द कोलिजन भी रहेगा। क्यों? क्योंकि बॉल ए के पास जितना मोमेंटम था वो उसने बॉल बी के साथ कोलाइड कर लूज किया, और बॉल बी के पास जितना मोमेंटम था उसने बॉल बॉडी ए के साथ कोलाइड करके उसने और गेन किया है। थैंक यू। आपको अभी भी हमसे कोई भी सवाल हो तो हमारे एक ईमेल एड्रेस गिवन है, आप इससे रब्ता कर सकते हैं। एक हमारा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है। काइंडली डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट बिलो द वीडियो, और हमें अपनी कीमती राय से आगाह करते रहें ताकि हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं इससे बेहतर बना सकें। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।